फिरोजपुर के संत लाल रोड पर वाल्मीकि यूथ फ्रंट भारत की तरफ से वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान वाल्मीकि के भजनों द्वारा गुणगान किया गया और लंगर की व्यवस्था भी की गई। इस मौके पर वाल्मीकि यूथ फ्रंट भारत के जनरल सेक्रेटरी रवि खांडिया और अध्यक्ष नरेश वैद्य ने कहा कि वाल्मीकि प्रकट दिवस को सारे ही धर्मों के लोगों को मिलजुल कर दिवाली की तरह ही मनाना चाहिए, ताकि देश में आपस में सभी का एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे। उन्होंने सारे ही देशवासियों को वाल्मीकि प्रकट दिवस की शुभकामनाएं भी दी। फिरोजपुर से मनजीत सिंह की रिपोर्ट। नरेश वैद्य, वाल्मीकि यूथ फ्रंट भारत का चेयरमैन, भारत सारे देशवासियों को, देशों विदेशों में वस रहे सारे देशवासियों को, सारे वाल्मीकि प्रकट दिवस दी लख लख वधाइया। जेडे मेरे वीर वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य के जो धूमधाम मनाया जाए, वाल्मीकि प्रकट दिवस दिया सारे देशवासियों लख लख बधाई जाए। सब तो पहला सारे ही धर्म समाजियों वाल्मीकि समाज में पूरे विश्ववासियों वाल्मीकि यूथ फ्रंट जनरल सैकटरी भारत वीर रवि खांडिया की ओर तो जय वाल्मीकि जी, जय भीम, जय भारत, जय सरदार। तो पावन वाल्मीकि प्रकट दिवस दियाँ आप एडवांस में ढेर सारिया शुभकामनावान लख लख मुबारक। मैं वाल्मीकि यूथ फ्रंट का जनरल सैकटरी भारत वीर रवि खांडिया। सो मैं आप जी ने पावन वाल्मीकि प्रकट दिवस से यह संदेश देना चाहवागा कि नौ नराते दसवां दशहरा दिवाली से त्यौहार ना होते अगर इस भारत की धरती पर मेरे प्रभु वाल्मीकि निराकार ना होते, अयोध्या में दशरथ के घर राम लखन दो बाल ना होते, हनुमान हाथों में पर्वत ले भव सागर पार ना होते अगर इस भारत की धरती पर मेरे प्रभु वाल्मीकि निराकार ना होते। सो मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार पूरा संसार दीपावली मनांदा, ठीक उस प्रकार भेदभाव नू छड़ के, जात पात नू छड़ के सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दे आह्वान जी का पावन प्रकट दिवस कि जिस तरह दिवाली मनाई जाती है उस तरह सारा संसार मनावे। सो प्रभु वाल्मीकि महाराज ना होंगे तो ना दशहरा होना सी, ना दिवाली होनी सी, ना होली होनी सी, ना नराते होने सके। इस करके जो सब तो प्रथम जो त्यौहार है तो पावन वाल्मीकि प्रकट दिवस है। सो उस दिया ढेर सारिया शुभकामनावान, जय वाल्मीकि, जय। नवरात्रों के अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन में चल रही 9 दिवसीय नवरात्रों की हर शाम माँ के नाम भजन संध्या के 8वें दिन की शुरुआत हुई। इस भजन संध्या के 8वें दिन गायक प्रवीण लक्की एंड पार्टी ने गणेश वंदना के साथ शुरुआत करते हुए देर रात तक भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन के प्रधान राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस भजन संध्या में आने वाले भक्तों के लिए रोजाना प्रसाद के रूप में व्रत वाला लंगर वितरित किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन के प्रधान राजेश अग्रवाल, उप प्रधान अनुराग अग्रवाल, महेंद्र प्रताप, विजय गुप्ता, अनूप त्रेहन, पवन जोशी, अंशुमनपुरी, अश्विनी चौहान, नरगिस पत्रा, सोनू कुलवंतरायपुरी, सुखदेव कुमार ने गायक प्रवीण लक्की एंड पार्टी को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हर कार से
उपकार रामलीला क्लब धंडार मंदिर बस्ती गुजर जालंधर में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इससे चल रही रामलीला की नाइट की शुरुआत अंगद के पांव जमाने के दृश्य के साथ हुई, जिसमें अंगद रावण के दरबार में पहुंचते हैं और उन्हें हार मानकर माता सीता को सकुशल प्रभु श्री राम को लौटाने की बात करते हैं। लेकिन अहंकारी रावण अंगद की बात को मानने से इनकार कर देता है, जिसके बाद अंगद अपना पांव जमाता है और रावण को चुनौती देता है कि वे उसका पांव हिलाकर दिखाए। लेकिन रावण का कोई भी वीर अंगद का पांव नहीं हिला पाता। इस रामलीला की नाइट की शुरुआत दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर दी। इस दौरान क्लब के सदस्यों की ओर से श्री विज को मां की चुनरी एवं स्मृति चिन्ह देकर विशेष तौर पर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर चीफ डायरेक्टर हरिकृष्ण बाली, वाइस चेयरमैन नीटा बहल, चीफ एग्जीक्यूटिव सुशील कुमार, डायरेक्टर राजीव बाली, प्रेसिडेंट एडवोकेट संजीव बाली, चेयरमैन राजकुमार मदान, कैशियर अजय बाली, चीफ ऑर्गेनाइजर रिकी नागर, वाइस चेयरमैन प्रदीप कुमार, महासचिव सचिन जी अरोड़ा, असिस्टेंट डायरेक्टर हरीश वालिया, ऑर्गेनाइजर संदीप बाली, नंदलाल, प्रमोटर अनु वर्मा, सचिव राजपाल वर्मा, सचिव किशन लाल छाबड़ा, गगन शर्मा, राघव बहल सहित सदस्यगण शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन। आपके पास इसलिए भेजा है कि आप
खुशखबरी के चरणों में चले जाए वो अवश्य बस बस। अरे पत्रकार जरा अपनी जबान को थाम, क्या इतनी बकबक लगाई है, क्या तुझका तेरी मौत तो नहीं हम खींच रही है। अरे निर्लज तेरे जैसे नालायकों को भी जिंदा शुमार है जो कि लंबे पाक के खाकों से बदला लेने को अलग उल्टा उनका ही खिताबकार है। अरे निर्लज तेरे जैसे नालायकों को भी जिंदा शुमार है तेरे जैसे कपूर से तो आली पुत्र हीन ही मर जाता है। इस प्रकार संताप तो नहीं पाती। मैं बस सत्य कहता हूँ, यदि तेरे जैसा पाजी तेरे कुल में होता अब तक कभी का दूसरे जहां रहता शक आप पाखों के सामने बधो और बेटे खड़े तमाशा देखते रहे तू मन तू मन अच्छा बेटा नाम लीला का प्रसारण है
अपना परिवार इशारा मार देता और एक भगवान राम से जिन्होंने भगवान राम जी दिया चरण पालिका लैके 14 साल तक उन्होंने चरण पालिका की सेवा की सारा जरा प्रसारण है कि सारे बच्चे के संस्कार अगे बुला उन्होंने पता लगे भगवान राम और राम लीला का जरा छोटा काम नहीं है राम लीला का जरा मंदिर श्री बजरंग भवन जालंधर छावनी में चल रहे नवरात्रों के उपलक्ष्य में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें अंजलि त्रिवेदी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर सोनू ढेसी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर कमेटी के प्रधान कुलभूषण भूषी व अन्य सदस्यों ने आए हुए सभी अतिथियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। अंत में आरती के पश्चात प्रसाद भी वितरित किया गया। इस अवसर पर हरविंदर सिंह पप्पू, राजीव कश्यप, कमेटी के उप प्रधान राकेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, मुनीश अग्रवाल, विजय गोयल, अनिल मलिक, राजकुमार, पवन अग्रवाल, विकास अग्रवाल, गुरुदत्त, सागर, संजू, अशोक कुमार, ओम प्रकाश, रोबिन कनौजिया, विमल कुमार सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। ऐसे ही मंदिर में आए और हमारे इतने सहयोग हमारा
श्री राम जय माता दी, जो कि हर साल की तरह इस साल भी ग्रह भवन के अंदर नौ जोतां जो कि अलग अलग जितों चिंतपुर्णी माता दी हिमाचल तो माँ वैष्णो देवी दी जोतां ने आ के इत्थे मां ने सारिआं ने जो कि दर्शन किए हैं। अज जो कि अठवां नराता है, कल नौ नराते हो जाने हैं, उहदे विच सारे घर घर अज भी पूजां होईआं और कंजकां बनाईआं गईआं। इसे तरह इस हर साल इस ही इतने चलता रहे। अज जो कि साढ़े वड्डे भरा बाऊ शीतल बीर जी ने आके इतने जोतों के दर्शन करने से उन्होंने सेहत ठीक नहीं, इस करके आ नहीं पाए। मैं उन्होंने वालों भी इतों पिंड वालों बहुत बहुत धन्यवाद करना बाऊ जी का और उन्होंने पूरी टीम देवी तला प्रधान है जोड़े उन्होंने सारी टीम का मैं अज तो धन्यवाद करना और मैं अपने वालों सारू नरात्या दख लख बधाई दिता। और अज इतों ही अच्छ मैं अपने चैनल के राही हलचल के राही जो कि 24 तरीक दशहरा जलंधर गेट मनाया जा रहा वो भी सारे लख लख बधाई दिता। जय श्री राम, जय जय माता दी। अज बजरंग भवन के जलंधर कैंट के बहुत ही वधिया तरीके दे नाल नवरात्रियां दे पवित्र दिनां दे विच महामाई की अष्टमी अज पूजा हुई है और अंदर यूपी तो जिहड़े कथा करन आए ने आनंद आ गया उन्होंने 10 मिनट सुन के। और मैं इसे श्री भूषण जी नूं भूषण अग्रवाल जी नूं जिहड़े प्रधान ने बजरंग भवन दे और उन्होंने समुची टीम नूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा हां और यही अरदास करदा हां परमात्मा पासों महामाई के चरणों के कि परमात्मा इन्हों बल दे जिहड़ा ये धर्म करम के काम इंदा ही करते रह और इंदा ही बड़ा चंगा लगता है। नौजवान पीढ़ी नवे बच्चे जिहड़े आ रहे हैं अगे और चंगा हैगा एक उपराला रब दे नाल अपने आप को जोड़न का। सो बहुत खुशी है अज एक बार मैं फिर नवरात्रियां दी शुभ समय दे सब नूं जलंधर छावनी के लोगों बहुत बहुत मुबारकबाद। जय माता, जय श्री राम। मैं सारे कैंट वासियों को प्रबंधक कमेटी को बधाई देना चाहता जिहड़ा नौ जोतां सारे मुल्क दे विच आईआं ने। मैं कमेटी का धन्यवादी हाँ उन्होंने माता जी के चरणों के जुड़न का सानू अवसर दिता। सारे इलाके वासियों को बेनती है कि सारे जने आओ तो महामाई का अपना आशीर्वाद लैके अपने घर खुशियां लैके थोड़ू सारे दशहरे दिया भी लख लख। जालंधर की बैंक कॉलोनी नज़दीक मिठापुर चौक में 4 नवंबर 2023 को होने वाली विशाल साईं भजन संध्या के उपलक्ष्य में साईं पालकी यात्रा का आयोजन प्रभु मिलन सेवा सोसाइटी और सभी बैंक कॉलोनी निवासियों की ओर से किया गया। ये साईं पालकी यात्रा श्री महालक्ष्मी नारायण मंदिर बैंक कॉलोनी से शुरू होकर शिव विहार रमणीक नगर से होते हुए वापिस मंदिर प्रांगण में पहुंचकर आरती के साथ सम्पन्न हुई। यात्रा के पश्चात प्रभु मिलन सेवा सोसाइटी के सभी सदस्यों की ओर से आए हुए भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया। गौरतलब रहे कि ये सोसाइटी वर्ष 2010 से लगातार साईं पालकी यात्रा और साईं भजन संध्या का आयोजन बैंक कॉलोनी में बड़ी ही धूमधाम से करवाती आ रही है। इस अवसर पर प्रदीप शर्मा, सुरेंद्र कोछड़, दविंदर कोछड़, राजेश शर्मा, एडवोकेट जतेंद्र धवन, राकेश खन्ना, प्रमोद मेहता, अश्विनी कुमार, मनवीर सिंह सचदेवा, शक्ति सब्रवाल, KL हांडा, तरलोचन सिंह भसीन, NN जोशी और KC शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। ओम साई राम। आज सारे ने असी 22 अक्टूबर वाले दिन बैंक कॉलोनी वालों प्रभु मिलन सेवा समिति के द्वारा साई पालक जी का आयोजन किया गया है जेड़ा कि बैंक कॉलोनी लेन नंबर 3 रमणीक नगर शिव विहार विचों होंदी हुई वापिस श्री सत्यनारायण मंदिर बैंक कॉलोनी के विच द्वारा पहुँचेगी। उत्थे भंडारे का भी आयोजन किया गया है, सारी संगतों को भंडारे का आनंद उत्थे मानिया जाएगा। उस तो बाद साढ़े जरा साई संध्या है 4 नवंबर न बैंक कॉलोनी के की जा रही है। उस उसके सारे नेर नगर वासियों आमंत्रित करते हैं हुम आके पहुँचो, साई बाबा जी के दर्शन करो ते भजना ते साई संध्या जी का आनंद माणो। उत्थे उस दे नाल साई इच्छा तक लंगर का भी आयोजन किया जाएगा। प्रभु मिलन सेवा समिति बैंक कॉलोनी मिठापुर जलंधर असी 2010 तो लगातार हर साल साई संध्या का साई पालकी जी का आयोजन किया जा रहा है। हर साल बैंक कॉलोनी मिठापुर रोड शिव विहार रमणीक नगर सारिया कॉलोनिया
असी अपना सद्दा दिंदे आ ते बैंक साई संध्या दा आयोजन करने आ ते नाल हर साल पब्लिक दी कोऑपरेशन दे नाल लंगर दा भी आयोजन किया जाता है। अज जिहड़ी असी साई पालकी अपना साई संध्या दे बुलावे लई सारे इलाका निवासियों बुलाने लई आयोजित की गई है। साई जी का आशीर्वाद सारिया ते बनया रहे और इदा का प्यार हमेशा बनया रहे। ओम साई राम। 4 नवंबर नू साई संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है जिंदे विच डॉक्टर वरिंदर बनोट अंबाला तो हर साल की तरह गुणगान करनगे। असी सारे इलाका निवासियों नू बेनती करते हैं कि वध चढ़ के हिस्सा लैन ते साई जी का आशीर्वाद प्राप्त करन। ओम साई राम। ओम साई राम। अग्रवाल धर्मशाला में विजयादशमी के मौके पर प्राचीन काल से शस्त्र पूजन की परंपरा चली आ रही है। इसका इतिहास और इसकी मान्यता देवी दुर्गा के आविर्भाव से जुड़ी हुई है। दरअसल दुर्गा माता ने जब महिषासुर का वध करने के लिए अवतार लिया तो उन्होंने महिषासुर के वध के लिए सभी अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग किया था। इन शस्त्रों में भी देवी शक्ति का वास माना जाता है, इसलिए शस्त्रों का पूजन नवरात्रि के दिन किया जाता है। अपनी संस्कृति से जुड़े ये विचार बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक नीलमणि समाधिया ने कही। इस मौके पर आचार्य श्री निवास स्वामी सहज प्रकाश, राम कुमार व्यास, राहुल बाली, हरदीप शर्मा, श्याम सुंदर गुप्ता, रामलाल बत्रा, दर्शन टल्लेवाल, रोशनलाल, विश्व हिंदू परिषद के प्रधान यशपाल शर्मा, राज धूरकोट सहित बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। आज उसके दे तहत शस्त्रा की पूजा की जाती है। हर हिंदू परिवार के घरे शस्त्र होना अनिवार्य है। जिहड़ी अजकल की स्थिति चल रही है उसके हिसाब से अज देखो इजराइल के उत्ते हमास ने हमला किया। अज इजराइल की आबादी 90 लाख है। 90 लाख की आबादी होने तो बाद भी वो आपके पास दे सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में भी साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या की शुरुआत गायक सुखविंदर हैप्पी एंड पार्टी ने गणेश वंदना के साथ की, जिसके बाद उन्होंने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर नरेंद्र सहजपाल, योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, चंद्र मोहन ढिंगरा, दिनेश कुमार, विजय कौड़ा, अशोक शीतल, राजकुमार सैकल, संजीव साहनी, रमन ढल्ला, किरण कुमार, प्रवीण लक्की, गोवर्धन गांधी, राजेंद्र कपूर, राजेश शर्मा, यश प्रभाकर, ब्रज प्रभाकर, सोहनलाल सारथी, राजेंद्र कपूर सहित मां भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। मेरी एक तूला करे ते होर करे केड़ा मां मेरी सफेद मुड़िया आलोकी भगत मर्यादा लैके आते कहते हाथे तो पिछे मैं बैठा शेरा वाली मेरा Yeah.
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आदर्शनगर की ओर से श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे होता है संबंधी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें बताया गया कि राजयोग ध्यान द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। इस दौरान अलग अलग प्रयोगों और योगिक क्रियाओं संबंधी भी जानकारी दी गई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। श्री देवी तालाब मंदिर के आंगन में हर इतवार को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय वालों एक अध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिस विच आत्मा बारे परमात्मा बारे पूरा डिटेल च समझाया जाता है, दसिया जाता है किस तरह अपनी आत्मा को उस परमात्मा तक पहुँचाना है और किस तरह परमात्मा को याद करना है। इस तो अलावा 84 जन्मों बारे दसिया जाता है, किस तरह असी 84 जन्मों में पाठ बजाने हैं। और इस तो अलावा एक प्रदर्शनी नशा मुक्ति के तहत लगाई जाती है, जिस विच दसिया जाता है कि किस तरह राजयोग के द्वारा असी नशे तो मुक्त हो सकते हैं। ये प्रदर्शनी श्री देवी तला मंदिर के प्रधान श्री शीतल विज जी और होर सारे प्रबंधकों के सहयोग के नाल लगाई जाती है। इसलिए आप सारे बेनती की जाती है कि आप अपना कीमती समय कढ़ के श्री देवी तला मंदिर के आंगन में आके अपनी हाजरियां लगाओ और इस प्रदर्शनी का लाभ उठाओ। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में प्रभाकर बंधु एंड पार्टी ने गणेश वंदना के साथ भजन संध्या की शुरुआत की। उन्होंने माता की भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर के कैशियर पविंदर बहल, फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल ने अग्रवाल बंधु संगीत ग्रुप के गायक कलाकारों को मंदिर का समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। बड़े सुंदर नुक्कड़ थे और सब ताली देने का अपना साथ देना की कहना माए नी तेरा मंदिर सोना माए नी तेरा मंदिर सोना माए नी तेरा मंदिर सोना तीन दो किसने मर तीन दो किसने मर कोई होता तेरा मंदिर सोना माए नी तेरा मंदिर सोना Thank you.
युवक मंडल रामलीला कमेटी थापरा बगीचे रामलीला ग्राउंड सोडल नगर की तरफ से 24 अक्टूबर को रामलीला ग्राउंड सोडल रोड में दशहरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में श्री रामचरित मानस पाठ का भोग डाला गया। श्री रामचरित मानस पाठ के बाद झंडे की रस्म अदा की गई। 24 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे रामलीला ग्राउंड सोडल रोड से शोभा यात्रा आरंभ होगी और शाम 5 बजे रावण दहन किया जाएगा। दशहरा उत्सव में प्रधान सुखविंदर कालिया बिट्टू, सुनील विज, पूर्व पार्षद दीपक शारदा, ओम प्रकाश, बिनी छाबड़ा, गौरव गोरा, विक्की शर्मा, कबल टंडन, गौरव कनौजिया, कुलदीप शारदा, अश्विनी सिंगला ने, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता दिनेश ढल, जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन एवं आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान अमृतपाल सिंह, देव शर्मा, एमडी एसएस केमिकल, प्रसिद्ध उद्योगपति मुनीश गुप्ता मंटी एवं राहुल वशिष्ठ व प्रसिद्ध उद्योगपति सुरजीत चोपड़ा, समाज सेवक बलजीत सिंह बिट्टू को बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने हेतु निमंत्रण भेंट किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। नवयुग मंडल रामलीला कमेटी एवं नवयुग मंडल दशहरा कमेटी की ओर से 24 अक्टूबर को दशहरा पर्व बड़ी ही धूमधाम से रामलीला ग्राउंड सोडल रोड जालंधर में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में रामलीला ग्राउंड में रखे गए श्री रामचरितमानस रामायण पाठ का भोग डाला गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंडल के प्रधान सुखविंदर कालिया ने बताया कि 24 अक्टूबर को दोपहर बाद रावण दहन से पहले आतिशबाजी का मुकाबला किया जाएगा। दशहरे वाले दिन शोभा यात्रा रामलीला ग्राउंड से दोपहर 2 बजे से शुरू होकर दशहरा क्षेत्र की परिक्रमा कर दशहरा ग्राउंड में सम्पन्न होगी। गौरतलब रहे कि बालाजी के स्वरूप इस दशहरे की शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र बनेगी। इस अवसर पर प्रधान सुखविंदर कालिया, पूर्व पार्षद दीपक शारदा, मंच संचालक सुनील विज, बिट्टू कैशियर विक्की शर्मा, पंडाल इंचार्ज गौरव कनौजिया गोरा एवं महासचिव बिनी छाबड़ा भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। नवयुग मंडल रामलीला कमेटी द्वारा करवाई जाने वाली रामलीला में ताड़का का रोल निभाने वाले रमन कुमार रम्मू का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार किशनपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर विधायक बाबा हेनरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, पूर्व पार्षद दीपक शारदा, ओम प्रकाश, रवि सैनी, सुखविंदर कालिया बिट्टू, विक्की शर्मा, बिनी छाबड़ा, रमित दत्ता, सुनील विज सहित धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय रमन कुमार रम्मू को नम आंखों से अंतिम विदाई। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर। मोगा के गांव धूरकोट रणसिंह में अज्ञात लोगों ने कबड्डी खिलाड़ी को मारी गोलियां, गांव में बना दहशत का माहौल। चंडियारा गुरु में चोरों ने 2 दुकानों को बनाया निशाना, ताले तोड़कर 1.5 लाख रुपए का सामान व नकदी चोरी कर हुए फरार। होशियारपुर की दशहरा ग्राउंड का ADGP पंजाब अर्पित शुक्ला ने लिया जायजा, बम निरोधक दस्ते व डॉग स्क्वाड की टीमों ने की जांच। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।
We'll be right back.